यदि आप स्वादिष्ट व लजीज खाने के शौकीन हैं, तो चले आइए जलसा रेस्टोरेंट। यहाँ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बर्थडे पार्टी व कॉन्फ्रेंस हॉल की सुविधाएं भी उपलब्ध है। किसी भी क्वेरी के लिए 7878630285 पर कांटेक्ट करें। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मीना के बेटे हेमंत मीना पर एक बार फिर से भाजपा ने भरोसा जताया था और इस बार हेमंत मीना चुनाव जीत भी गए हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार में हेमंत मीना को कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया। बेटे हेमंत मीना के मंत्री बनने के बाद ही पूर्व मंत्री नंदलाल मीना एक बार फिर से मैदान में उतर चुके हैं। मंगलवार को पूर्व मंत्री मीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिखकर पूर्व विधायक रामलाल मीना के कार्यकाल के दौरान प्रतापगढ़ शहर से 5 किलोमीटर के दायरे में पिछले 3 सालों में बिलानाम कृषि भूमि को भ्रष्टाचार करके गैर खातेदार के रूप में आवंटन करने के मामले में पत्र लिखकर आवंटन हुई जमीनों को निरस्त करने की मांग की है। मीना ने ये पत्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को भी भेजा है। पूर्व मंत्री नंदलाल मीना ने भ्रष्टाचार करके गैर खातेदार के रूप में आवंटन की हुई जमीनों को निरस्त करने की मांग करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। जिस तरीके से आपने आज ये पत्र लिखा है कि भूमाफिया और बिना नाम जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा करना और कई मामले भी जिले के रूप, आज जो पत्र लिखा है वो मुझे लिखना तो चुनाव के पहले था, परंतु वहाँ पर उस समय ये भ्रमित प्रचार किया जा सकता था कि चुनाव स्टंट है, इसे तब से करके अब चुनाव के पश्चात ये सारी बातें उजागर कर रहा हूँ, गांव-गांव में घूम रहा हूँ कि कहाँ-कहाँ अवैध कब्जे हुए, कहाँ-कहाँ नियम विरुद्ध जमीन को कब्जे दिलाए गए, किन किन विभागों से कितने कितने रुपए वसूल किए, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों ने क्या किस किस से सहयोग दिया, ये सारी जानकारियां कर रहा हूँ। और जिस तरह से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने चुनाव के टाइम पर अभी जयपुर में घोषणा की थी कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, खाया है, उनको उल्टे नाल से निकालूंगा, इस संदर्भ को सामने रखते हुए वे सारी शिकायतें जो है उनको भेज रहा हूँ और सभी अधिकारियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि अब भी कानून बाहर जाए और प्रतापगढ़ की भोली भाली जनता को जो लूट करोट का काम राजनीतिक नेताओं के माध्यम से और अधिकारियों ने मिलकर के किया है, तो दोषियों का जो काम किया है उनको अब शिकंजे के अंदर किया जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई बख्शिश नहीं की जाएगी।